image. Today, the Event Horizon Telescope is delighted to share with you the first direct image of the gentle giant in the center of our galaxy, Sagittarius A star. अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी उसमें नासा की अधिकारी किस बारे में बात कर रही थी आप जानते हैं? नासा की साइंटिस्ट बात कर रही थी ब्लैक होल की इमेज के बारे में। वास्तव में ये इमेज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैम इस ब्लैक होल के बारे में तो आप हमें कई बार पढ़ा चुकी हैं, हमने ब्लैक होल की पहली तस्वीर भी देख ली थी, है ना? 2019 में ही ब्लैक होल की पहली तस्वीर जो है वो एवेंट होराइज़न टेलीस्कोप के द्वारा ले ली गई थी। लेकिन दोस्तों, आज जिस ब्लैक होल की तस्वीर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारी अपनी है। जी हाँ, वो वक्त दूसरा था, वो गैलेक्सी दूसरी थी, वो जज्बात दूसरे थे। आज जिस ब्लैक होल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो हमारी गैलेक्सी का है। हमारी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में पाए जाने वाले ब्लैक होल की तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद हम सभी के सामने आ गई। अभी स्क्रीन पे आप लोगों को जो जेंटल जियांट एक ब्लैक होल की तस्वीर दिख रही है, ये हमारे मिल्की वे का एक ब्लैक होल है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है सैगिटेरियस ए। अब ये जो सैगिटेरियस ए नाम रखा गया है, अब भाई नासा वाले रखते हैं, हम अगर नाम रखते तो राम श्याम ऐसा कुछ रखते ना, इसलिए इन्होंने नाम रखा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सैगिटेरियस ए। अब आप लोग देखिए कि ये जो नाम रखा गया है ब्लैक होल का, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। इस ब्लैक होल की जो तस्वीर है वो ली गई है इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप EHT के द्वारा। ये साइंटिस्ट की एक टीम है, इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप कोलैबोरेशन, उन लोगों ने इस तस्वीर को आप तक पहुंचाने का ये काम किया है। इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। मैं आज के पहले जब 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर देखी गई थी ना, वो तस्वीर भी इसी इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप के द्वारा ही ली गई थी। ये जो टेलीस्कोप होता है, ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, ये पृथ्वी में किस देश में ये रखा गया था, नहीं, ये टेलीस्कोप का एक जाल जैसा बना दिया जाता है। बहुत सारे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इस तरीके से अलग अलग एंगल से तस्वीर ली जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में बताऊं तो ब्लैक होल के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, जिसे हम कृष्ण विवर भी कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा होल है, एक ऐसा छिद्र है जहां पर सब कुछ समा जाता है। हमारे सौर मंडल में आप सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सभी के बारे में जानते हैं, लेकिन हर आकाशगंगा के भीतर एक ब्लैक होल होता है। उस ब्लैक होल के भीतर सब कुछ समा जाता है। ये ब्लैक होल वो होता है जिसके अंदर तो कुछ भी समा सकता है, लेकिन उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ब्लैक होल के बारे में आप लोग मेरे साथ पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग जब भी मेरे साथ फिजिकल ज्योग्राफी के इस प्लस कोर्स में पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार पढ़ाती हूँ। ये देखिए, मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार जो है वो हमेशा ज्योग्राफी का कोर्स शुरुआत में जब मैं कराती हूँ तभी बताया है कि शुरुआत में एक गैसों का समूह होता है जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। उससे क्या होता है, उससे बनता है एक प्रोटोस्टार। और फिर क्या होता है, जब प्रोटोस्टार बनता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपको रोशनी दिखाई देती है वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि गैसें जो है वो घूम रही है, तो वो काफी गर्म है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रोटोस्टार के बाद जो तारे की दूसरी अवस्था होती है उसे कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। इस मेन सीक्वेंस स्टार की अवस्था में ही नाभिकीय संलयन शुरू होता है, मतलब कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में बदलना शुरू करती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तब बनता है रेड जियांट। इस अवस्था में जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इस तारे को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके ग्रेविटी के कारण पास में आते आते कोलैप्स होते होते एक अवस्था ऐसी होती है
कि अभी तक जो हाइड्रोजन हीलियम बन रही थी, हाइड्रोजन तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये हीलियम ही कार्बन के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, रेड जायंट। अभी हमारा जो स्टार है ना, वो मेन सीक्वेंस स्टार, अभी जो हमारा सूर्य है, हमारे जो सूर्य देवता है, वो मेन सीक्वेंस स्टार की पोजिशन में, भविष्य में वो रेड जायंट बनेंगे। फिर क्या होता है, फिर दोस्तों रेड जायंट बनने के बाद की जो कहानी है वो डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है, उस तारे के द्रव्यमान पे, उसके मास पे। अब रेड जायंट बनने के बाद क्या होता है, अगर उस तारे का द्रव्यमान बहुत कम है तो फिर वो बनता है एक वाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर उस तारे का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होता है, तो फिर वो क्या बनता है, फिर वो बनता है एक ब्लैक होल, वह ब्लैक होल जिसमें से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के बारे में दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। लेकिन इनसे भी ज्यादा अगर मैं आप लोगों को एक फेमस वैज्ञानिक के बारे में बताती हूँ तो वो कौन है, वो है श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्योंकि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी थी जिसे आज हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इन्होंने हमें बताया था कि अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना ज्यादा है तो ही वो ब्लैक होल बन सकता है, वरना वो ब्लैक होल नहीं बनेगा। शुरुआत में इनकी इस बात का बहुत मजाक बनाया गया था, लेकिन आखिरकार जब इस पूरी दुनिया ने विज्ञान की राह पर प्रगति की तब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया और उनके द्वारा बनाए गए लिमिट को आज हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट कहकर पुकारते हैं। ये आपके सामने जो है, ये है फर्स्ट पिक्चर ऑफ ब्लैक होल। अब आप कहेंगे कि मैम पहली पिक्चर जो है ब्लैक होल की जो अभी आई है वो सब एक जैसी तो दिखती है, अंदर क्या है? भाई अंदर तो है और बहुत बड़ा है। जो पहले वाले ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर आई थी ना 2019 में, आज से 3 साल पहले, वो जो तस्वीर थी वो किसी और गैलेक्सी की। कौन सी गैलेक्सी की तस्वीर थी वो, कौन सी गैलेक्सी की ब्लैक होल की तस्वीर थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी। और अब जो ब्लैक होल की तस्वीर हम लोगों को मिली है ये देखिए। अब आप कहेंगे इतनी ब्लर क्यों है, तो सर ये 5 फुट की दूरी से तो ली नहीं गई है ना जो पोज देता ब्लैक होल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर बहुत ज्यादा ब्लर है, इसे लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने ये भी संभव कर दिखाया। अब देखिए भाई, एक और बात आपके मन में आ रही होगी कि मैम जैसा कि आप कहती हैं कि ब्लैक होल में से तो कुछ भी बाहर नहीं आता, ब्लैक होल तो सब कुछ खींच लेता है अपने अंदर, प्रकाश भी खींच लेता है, तो ये जो ब्लैक होल है इसकी तस्वीर कैसे आती है? तो दोस्तों ब्लैक होल के आसपास जो एक सीमा होती है उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। उसी ही इवेंट होराइजन के नाम पर तो इस टेलीस्कोप का नाम रखा है जिसने इसकी तस्वीर ली है। तो उस इवेंट होराइजन की, ब्लैक होल के आसपास की जो जगह है ना, उसकी तस्वीर आती है, उसकी तस्वीर लेने का प्रयास किया जाता है। ब्लैक होल तो बीच में है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये वाला जो ब्लैक होल है ये कितना दूर है हमसे, ये है 27,000 प्रकाश वर्ष, 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पे, मतलब वी कांट इमेजिन यार, बहुत दूर है ना। चलिए, तो आप लोगों को ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, जिन्होंने मेरे साथ हमेशा से ब्लैक होल के बारे में पढ़ा है उन्होंने रिवाइज भी कर लिया है। लेकिन अगर आप लोगों को ब्लैक होल के बेसिक्स ज्ञान के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि कैसे एक तारा ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होता है, तो आप मुझसे 3:30 वाली फ्री क्लास में मिल सकते हैं अनअकैडमी पे, या फिर अपूर्वा 23 कोड का उपयोग करके प्लस क्लास में भी मिल सकते हैं। दोस्तों इस न्यूज के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।